शिक्षकगण को नमस्कार प्रणाम। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखाव मोहता महाविद्यालय शाहपुर से आप सबको लेके एक प्रतिदुत्पत्ति संबंधी सिद्धांत पढ़ रहे थे। अपन प्रतिदुत्पत्ति संबंधी सिद्धांत में ही तीसरा सिद्धांत आज है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत में बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाश गंगाओं की उत्पत्ति, सदस्य तारों की उत्पत्ति, ग्रहों की उत्पत्ति से समस्याओं के समाधान के लिए ब्रह्मांड के जो अदृश्य घटक है और कार्य पदार्थों के अस्तित्व के आधार पर इसका प्रयास किया है। तो ब्रह्मांड में जो बिग बैंग सिद्धांत है, इस बिग बैंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन है या बिग बैंग सिद्धांत है वो बेल्जियम के विद्वान भी थे लेमेत्रे। लेमेत्रे ने सबसे पहले इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उन्होंने ये बताया कि ब्रह्मांड आकाश गंगा क्या ब्रह्मांड आकाश गंगा तारे सदस्य तारे तथा ग्रहों की, इन सबकी ब्रह्मांड की आकाश गंगा की सदस्य तारे की और ग्रहों की उत्पत्ति की जो समस्या थी इसके समाधान के लिए ब्रह्मांड के अदृश्य घटक क्या था अदृश्य घटक तथा काले पदार्थ काली पदार्थ इनके अस्तित्व के आधार पर बताने का प्रयास किया है। इन आधार पर उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि आकाश गंगाओं का निर्माण है वो अदृश्य घटक और काले पदार्थों से मिलकर बना है। आकाश गंगाओं के निर्माण के विषय में जो आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगाओं के निर्माण के विषय में जो विद्वान है ये विद्वान दो वैकल्पिक विचार रखते हैं, दो वैकल्पिक विचारधारा रखते हैं। ये मानते हैं आकाश गंगा है, इन आकाश गंगाओं का निर्माण है वो दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने हैं। दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने हैं। एक काले पदार्थों का अस्तित्व है इन आकाश गंगाओं का निर्माण के सिवा अदृश्य घटकों से और काले पदार्थों से। ये काले पदार्थ दो प्रकार के हैं, एक आपके गर्म है और दूसरे ठंडे रूप में रहे होंगे। एक आपके गर्म और दूसरे ठंडे प्रकार के रहे हैं। दो प्रकार के हैं गर्म काले पदार्थ है, ये दो प्रकार के हैं, एक आपके गर्म है और दूसरे ठंडे। गर्म पदार्थ है ऐसी स्थिति में जो आकाश गंगाएं बनेगी पदार्थ और ठंडे पदार्थ। गर्म पदार्थ है ऐसी स्थिति में जो भी आकाश गंगाएं बनेगी, जो गैलेक्सी बनेगी वो दूर दूर होगी। गर्म पदार्थों के काले पदार्थों से जो आकाश गंगाएं बनेगी वो आकाश गंगाएं दूर दूर होगी। आकाश गंगाएं हैं काले पदार्थों से मिलेगी बनेगी। काले पदार्थ दो प्रकार के हैं, आपके वैज्ञानिक ये मानते हैं कि दो ये वैकल्पिक विचारधारा है विद्वानों की कि ये काले पदार्थ आपके हैं ये दो प्रकार से रहे होंगे, एक आपके गर्म पदार्थ रहेंगे और दूसरे ठंडे पदार्थ रहेंगे। काले पदार्थ जो गर्म अवस्था में रहे पदार्थ इनसे आकाश गंगाएं हैं वो दूर दूर, आकाश गंगाएं दूर दूर बनी होंगी, जबकि जो ठंडे पदार्थ है गैलेक्सी ऐसी स्थिति में जो आकाश गंगाएं बनेगी वो आपकी दूर दूर बनेगी। और जब काले पदार्थ ठंडी स्थिति में होंगे, जब काले पदार्थ है ये ठंडी स्थिति में होंगे तो आकाश गंगाएं पास पास झुंड में होंगे, पास पास झुंड में स्थित होगी। और वर्तमान समय में जितनी भी आकाश गंगाएं हैं वो पास पास समूह में स्थित होंगे। वर्तमान में जितनी भी आकाश गंगाएं हैं
ये सब पास पास हैं, झुंड में हैं। इस प्रकार से जो काले पदार्थ है या अदृश्य घटक हैं, इनसे आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। विद्वान दो मत हैं, एक कुछ विद्वान ये मानते हैं कि आकाशगंगाओं का निर्माण है वो काले पदार्थ गर्म से, और कुछ मानते हैं कि जो काले पदार्थ हैं वो ठंडे अवस्था में हैं। जब आकाश काले पदार्थ हैं वो गर्म अवस्था में है तो आकाशगंगाएं दूर दूर स्थित होगी, जबकि यदि जो पदार्थ काले पदार्थ हैं ठंडे अवस्था में है तो पास पास झुंड में स्थित होगी। और वर्तमान में जितने भी आपकी आकाशगंगाएं हैं वो झुंड के रूप में है। वर्तमान समय में जितनी भी आकाशगंगाएं हैं वो आपकी क्या है, पास पास से समूह में स्थित है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, और ये वर्तमान से कब हुई थी, 15 बिलियन वर्ष पूर्व या 15 अरब वर्ष पूर्व जो आकाशगंगा ब्रह्मांड का जो निर्माण है, ब्रह्मांड का निर्माण है बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार, ब्रह्मांड का निर्माण या ब्रह्मांड की उत्पत्ति है आज से लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व या 15 अरब वर्ष पूर्व घने पदार्थों वाले विशाल अग्नि पिंड के जोरदार आकस्मिक विस्फोट तथा उनसे जो विसर्जित या उनसे जो निश्चित या विकीर्ण से हुआ है। जो ब्रह्मांड का निर्माण है वो आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व घने पदार्थों वाली विशाल अग्नि पिंड आए हुए। इसमें अचानक क्या हो गया, आकस्मिक विस्फोट। इसमें आकस्मिक जो महान पिंड था, विशाल पिंड, अग्निपिंड था, इसमें जोरदार विस्फोट हो गया तथा उनसे जो विकिरण उत्सर्जित हुई, इस विकिरण के कारण से ही इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1950-60 तथा 1960-70 के दशक में हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार आज से 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशाल अग्निपिंड था। इस सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशाल अग्निपिंड, इस अग्निपिंड में जिसकी रचना थी वो भारी पदार्थों से मिलकर हुई थी। इस अग्निपिंड की रचना है, ये भारी पदार्थों से मिलकर हुई थी। अग्निपिंड था जो विशाल आके भारी पदार्थों से मिलकर बना हुआ था। इस अग्निपिंड में अचानक विस्फोट हो गया। इस भारी पदार्थ से मिलकर बना था कौन सा, अग्निपिंड। इस अचानक इसमें विस्फोट हो गया। इस विस्फोट होने से क्या हुआ कि इसके कारण से पदार्थों का बिखराव हो गया। अग्निपिंड में विस्फोट हो गया और पदार्थों का बिखराव हो गए। इस बिखराव के कारण से जिन पदार्थों का निर्माण हुआ उन्हें प्रारंभिक सामान्य पदार्थ। जब अग्निपिंड में विस्फोट हो गया तो जो पदार्थ बाहर बिखर गए थे इन पदार्थों को नाम दिया उन्होंने प्रारंभिक सामान्य पदार्थ।
क्या थे ये? प्रारंभिक सामान्य पदार्थ। शीघ्र ही इन प्रारंभिक सामान्य पदार्थों के अलगाव के कारण से काले पदार्थों का सृजन हुआ। इन प्रारंभिक पदार्थों से क्या बनेंगे? काले पदार्थ। प्रारंभिक सामान्य पदार्थ है विस्फोट हुआ, विस्फोट के कारण से प्रारंभिक सामान्य पदार्थ बने और सामान्य पदार्थ हैं इनसे काले पदार्थों का सृजन हुआ। इसी काले पदार्थों के आपस में मिलने से एक शब्द आता है समीकरण। इन्हीं काले पदार्थों के समीकरण, समीकरण कौन सा है? मिलना, जुड़ना, पास पास इकट्ठे होना, इकट्ठा होने से, मिलने से आपस में काले पदार्थों के मिलने से, जो आपस में मिलने से पिंडों का निर्माण हुआ और इन पिंडों के चारों सामान्य पदार्थों का जमाव होने लगा जिनके कारण से इनका आकार बढ़ गया। जैसे पिंडों का निर्माण हुआ, जो काले पदार्थ थे वो एक जगह पर इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होने से पिंडों का निर्माण हो गया और पिंडों से क्या हो गया? आकार में बढ़ते होने से आकाश नमा का निर्माण हो गया। अब आकाशगंगा में क्या है कि आज से 15 वर्ष पहले जैसे ही आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में जो निरंतर क्या है वृद्धि कर रही थी, फैलाव हो रहा था, आज से 15 वर्ष पहले जो अपने निर्माण काल से ब्रह्मांड लगातार आकार में फैल रहा था और उसके पदार्थ धीरे धीरे शीतल हो गए थे। शीतल होने से क्या हुआ कि आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ और आकाशगंगाओं के निर्माण के कारण से आकाशगंगाओं के पदार्थ एक जगह पर इकट्ठे हो गए और उसमें विस्फोट हो गया। विस्फोट होने से असंख्य तारों का निर्माण हुआ और तारों से क्या है, तारों में विस्फोट हो गया, तारों से क्या बन गए, ग्रह बन गए और ग्रहों में विस्फोट से आपके उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार इनका सिद्धांत है, ये आपका जो सिद्धांत है ये आपका विस्फोट शक्ति का आधारित है। एक बार मैं दोबारा से समझी के रूप में आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ 2 मिनट में। इनका जो सिद्धांत है देखो क्या है कि आकाश गंगाए हैं, ब्रह्मांड आकाश गंगाए सदस्य आकाश तारे, ये सब क्या है काले पदार्थों से मिलकर बने हैं और आदर्श घटकों से मिलकर बने हैं। आकाश गंगाओं का निर्माण में 2 पदार्थ हैं गर्म और ठंडे। गर्म पदार्थ दूर दूर स्थिति में बनेंगे आकाश गंगाए और ठंडे आकाश जो पदार्थ हैं काले पदार्थ हैं उनके आपस में मिलने से आपके झुंड में आकाश गंगाओं का निर्माण होगा। अब क्या है वर्तमान समय जितनी भी आकाश गंगाएं वो पास पास है। ब्रह्मांड में जो है अग्नि एक विशाल अग्निपीठ था और इस अग्निपीठ में अचानक विस्फोट हो गया। विस्फोट होने से भारी पदार्थों का निर्माण हुआ और भारी पदार्थों के बिखराव से प्रारंभिक सामान्य पदार्थों का निर्माण हुआ और प्रारंभिक सामान्य पदार्थों से काले पदार्थों का निर्माण हुआ और काले पदार्थों के मिलने से आपस में मिलने से पिंडों का निर्माण हुआ। पिंडों का निर्माण हुआ आज से 15 अरब वर्ष पहले ही जो आकाश गंगाएं हैं जो ब्रह्मांड है ये लगातार अपने आकार में विशाल होता जा रहा है और उसके पदार्थ शीतल होते जा रहे हैं। अब क्या हुआ ये इनसे पिंडों से क्या बन गई आकाश गंगा। आकाश गंगा ये ऐसे थे आकाश गंगाएं बन गई। अब इन आकाश गंगाओं के आपस में पदार्थों में इनमें विस्फोट हो गया आकाश गंगाओं में तो इनके पदार्थ बिखर गए और बिखरने के कारण से इन पदार्थों के बिखरने से जो आपस में एक पदार्थ इकट्ठे हो गए समीकरण हो गया पदार्थों को मिल गए आपस में जो पिंड बन गए थे उनसे तारों का निर्माण हुआ। प्रत्येक आकाशगंगाओं में अनेक प्रकार के तारे पाए जाते हैं, बहुत सारे तारे पाए जाते हैं। इनके आकाशगंगाओं विस्फोट हुआ, विस्फोट से एक ही आकाशगंगाओं के कई सारे तारे बन गए और तारों में जब विस्फोट हो गया तो इनसे क्या बन गए? ग्रह बन गए जिसमें पृथ्वी की अपनी क्या है एक ग्रह और इन ग्रहों से क्या बन गए बाद में उपग्रह बन गए। इस प्रकार से आपके आकाशगंगा आकाशगंगा तारे तारों से ग्रह ग्रह से उपग्रहों का निर्माण जिसमें पृथ्वी अपने एक ग्रह। उम्मीद है आपको आज की क्लास है शॉर्ट क्वेश्चन आता है इसका बिग बिग सिद्धांत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ाई कर रहे होंगे, आप स्वस्थ होंगे, आप नियमित रूप से अध्ययन कर रहे होंगे, ऑनलाइन क्लास का मजा ले रहे होंगे। धन्यवाद।